Good morning, student. I am Sonia Mishra. Today I am present here so teach you computer subject. So welcome all student and online classes at Sunshine Senior Secondary School. तो स्टूडेंट, इससे पहले बाय मिस्टेक मुझे बुक मिल गई थी, उसके लिए सॉरी, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ अलग टॉपिक्स पढ़ा है. बट आज आपकी जो बुक्स है उसमें फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे वो आपका यहाँ पे हमने नोट किया हुआ है. आइए देखते हैं वीडियो में. जैसे लेसन फर्स्ट है कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कि इस लेसन में हम जो पढ़ेंगे वो हमारा क्या होगा, कैटेगरीज, जो कंप्यूटर की कितनी कैटेगरीज होती है और कंप्यूटर में लैंग्वेज कितने होते हैं और कैसे लैंग्वेज किस जेनरेशन में या किस कंप्यूटर्स में यूज किए जाते थे, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो कंप्यूटर में क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स. आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि लिखा है, तो क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, यानी कंप्यूटर के कितने वर्ग हैं या कितने वर्गों में वर्गीकरण किया गया है. तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ दिया है कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इन, सॉरी इंडिपेंडेंस हो गया है, क्लासिफाइड इन डिफरेंट वर्ग अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रिंसिपल पर्पस एंड साइज. तो स्टूडेंट अब देखेंगे कि कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन किया गया वो उसके उस वर्ग के अकॉर्डिंग किया गया जो कि पहला था कि वो वर्ग यानी किस वर्ग पे किस बेस पे वर्क करता है, दूसरा आपका था कि उसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल मतलब होता है स्टूडेंट सिद्धांत, यानी उसका सिद्धांत क्या है, अगला उसका जो पर्पस था यानी कि उसका उद्देश्य क्या है और वो किस तरह की साइज में यूज किया गया है. तो हम इसे इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि साइज पर्पस प्रिंसिपल यानी उसका वर्क जो था उसका वर्किंग का सिद्धांत क्या था, उद्देश्य क्या था और उसके साइज क्या था, हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. तो आइए नेक्स्ट हम अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं. यहाँ पे हमने दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स के को कितने वर्गो में बांटा गया. तो सबसे पहले फर्स्ट है बाय टाइप्स, यानी अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बनता है जो ये आपको हमने लिखा हुआ है, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो आप जनरली तुरंत बोलते हो फोर टाइप्स बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पे वो नहीं बोलना है. आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं वो ओनली थ्री टाइप्स के होते हैं और वो थ्री टाइप्स कौन कौन से हैं वो यहाँ पे ये तीनों है. ये है पहला होगा एनालॉग, ठीक है, पहला क्या है एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड, यानी कि ये तीनों आपके कंप्यूटर्स के प्रकार हैं. कितने प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं, तीन प्रकार के, ये तीनों आपके कंप्यूटर के क्या है, प्रकार हैं. अब इसमें एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है और हाइब्रिड क्या होता है, इसको हम आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे. बट फर्स्ट अब ये टाइप्स वाइज आपने देख लिया कि टाइप्स यानी प्रकार के वाइज जैसे यूज होता था, और दूसरा हम देखेंगे कि बाय साइज, यानी कि साइज के अकॉर्डिंग कौन कौन से कंप्यूटर यूज होते थे जिनकी जो साइज थी, और ये वही साइज है जो कि आपको कभी कभी पूछने पे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो आप लोग सीधा इसी का नाम लेते हैं ना. तो फिर देखिए इसमें क्या होता है, बाय साइज में यानी कि साइज के अकॉर्डिंग जो हुआ उसमें पहला था सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर को आप जानते हैं सबसे फास्ट कंप्यूटर माना जाता है, और दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, यानी कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है ये भी काफी बिग है. सुपर और मेन जो है काफी लार्ज टाइप के कंप्यूटर्स हैं और इनका जो कैलकुलेटिंग पावर है वो काफी तेज है, बहुत ही फास्ट है. तो आगे देखिए नेक्स्ट हमारा है मिनी कंप्यूटर, यानी कि मिनी कंप्यूटर, और नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर. तो ये इनके नाम से ही लगता है मिनी कंप्यूटर यानी स्मॉल साइज का होगा, बट ये जनरेशन वाइज भी आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि सुपर कंप्यूटर कैसे वर्क करता था, क्या वर्क करता था, उसकी कैपेसिटी क्या थी और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, एडवांटेज क्या था, वो सारी चीजें आपको पढ़ाए जाएंगे. एंड मेन फ्रेम के भी और प्लस
माइक्रो केवी। तो ये आपके हो गए स्टूडेंट बाई साइज कंप्यूटर्स, यानी जो कंप्यूटर्स के साइज है उसके अकॉर्डिंग हो गया। आगे देखते हैं बाई पर्पज, यानी कि इसमें पर्पज क्या है, कितने पर्पज से कंप्यूटर को हम यूज करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर काफी पहले बहुत बड़ा था, फिर धीरे धीरे जनरेशन वाइज, फर्स्ट जनरेशन में बिग था, सेकेंड जनरेशन में थोड़ा सा स्मॉल साइज हुआ, फिर थर्ड जनरेशन में उससे भी हुआ, और फोर्थ में थोड़ा सा और ज्यादा हो गया, जिससे कि हम सब यानी एक आम इंसान भी यूज करने लगा। तो यहाँ पे बाय पर्पज की बात आती है कि उसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य के कारण हम देखेंगे कि जिसमें पहला दे दिया है जनरल पर्पज, यानी कि जनरल पर्पज मतलब जनरल मतलब समझते हैं कि सामान्य होगा, यानी एक सामान्य पर्पज से भी यूज किया जाता है। सामान्य पर्पज से क्या होता है, जैसे आप घर पे भी यूज करते हो जनरली कि मुझे गेम प्ले करना है, टीजी करना है, कम्युनिकेशन करना है, एंड लर्निंग करना है, इस तरह की चीजें, या वॉच वीडियो मूवी सिंगिंग, तो ये सिंगिंग सॉन्ग, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती है, जनरल पर्पज में आती है ना। अब आगे देखिए हमारा नेक्स्ट है स्पेशल पर्पज। स्पेशल मतलब आप जानते हैं स्पेशल उसे ही होते जो काफी विशेष होता है, जिसका कि यानी जनरल से भी ज्यादा ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसको कि हम लोग स्पेशल बोलते हैं। तो स्पेशल जो पर्पज होता है, स्पेशल पर्पज में कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहां पे कि यूज किए जाते हैं, उन्हें मतलब स्पेशल पर्पज समझते हैं या जानते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने आप लोगों को बताया कि कैटेगरीज, यानी कि जो क्लासिफिकेशन है वही चीज है, कैटेगरीज ही यहाँ पे क्लासिफिकेशन में है, जो कंप्यूटर कैटेगरीज क्या है, क्लासिफिकेशन में कितने क्लासिफिकेशन में है, थ्री टाइप्स में है, ठीक है। और आपको साइज वाइज भी बताया हमने, पर्पज भी बताया। तो आगे अब आप इसमें क्या करोगे कि जब ये पढ़ते